थे, उन्होंने बताया कि आपको बेटा दिल्ली जाने में आपको तकरीबन 35,000 खर्चा लगेगा। ये अच्छा 2016 की बात है, जो पैसा हम लोग दिए थे 35,000, मेरा और भी बच्चे दिए थे, दो तीन चार गए थे, वो सारे दिए, उनका भी पैसा लेकर वो टीचर मतलब भाग गए। बहुत हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं साइकिल ले लेती हूँ। तो अच्छा जब मेरा पेमेंट मिला 1 महीने का, तो मैं घर वालों को नहीं बताई, तुरंत जाकर वो पेमेंट लेकर उसी टाइम जाकर मैं साइकिल ले ली, मतलब 4,500 का पूरा, उसका मैं यूज भी नहीं की, मैं जाकर साइकिल ले ली। साइकिल लेकर घर पे जब आई तो घर वाले देखकर चौंक गए, मोहल्ले वाले देखकर चौंक गए, इसको साइकिल कौन दे दिया। बहुत नेगेटिव बात भी हुआ है कि हाँ कोई दिया होगा, कोई अफेयर होगा, कि बहुत अनलिमिटेड। अम्मी से बोला, अम्मी मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहां पे मेरी सैलरी मिली है, तो मैं साइकिल। तो सर से भी मैंने बात कराया था, ऐसा टाइम आया था कि मतलब बिलीव नहीं था, तो मैं सर से भी बात कराई, तो उन्होंने बोला कि जी मैंने पेमेंट किया था, और रिसिप्ट रिसिप्ट वगैरह सारा वो दिखाया था कि हाँ मैं पेमेंट किया। ऐसे करते करते वहां पे मैं 1 साल लॉकडाउन में मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैं जब भी बाहर जाती थी, जब कंप्यूटर का कोर्स करती थी, तो जो मैं बाहर जाती थी, तो बहुत सारे लड़के कॉमेंट करते थे, बहुत सारे लड़के कमेंट कर, पैदल में जाती थी और पीछे से कमेंट करेंगे, आगे से कमेंट करेंगे, कभी कभी तो आगे आ जाएंगे। तो नहीं होता है कि हिम्मत रहते हुए भी मैं थोड़ा डर जाती थी कि नहीं मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए, या मैं बोलूंगी तो कुछ कर देगा ऐसा कुछ। एक बार की बात है कि मतलब मैं कंप्यूटर क्लास ही जा रही थी, तो एक लड़का था कि सामने से आकर मतलब बोल रहा था कि मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के एक थप्पड़ दिया। तो तो उस टाइम भी तो ये मतलब सब तो आते पता ही नहीं, था, कराटा एकाध दो दे देते। नहीं उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं की थी कराटे क्लास, पहले सीखा हुआ था, थोड़ा बहुत तो तो आता था मतलब ना, आप बॉडी दिल्ली से वगैरह सब घूम के आ चुकी थी। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत नॉलेज थी, तो उतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ कोई अगर ऐसा करता है तो हाँ हमें क्या करना चाहिए, अब मेरे को ट्रेनर बनना है। मैं इसलिए जीती क्योंकि मैं जिस माहौल से थी, वहां की माहौल बहुत डिफरेंट थी। लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियां अगर हंस देती हैं तो उसपे सवाल, अगर कुछ कह देती हैं उसपे सवाल, ट्रेवल कर रहे बहुत हो तो बहुत कैसे रहना चाहिए, ये सारी चीजें मैंने सीखी वहां। उस टाइम मेरा बॉडी बॉडी लैंग्वेज भी काफी बदल गया, चलने का स्टेप, पहनने का तरीका, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें मेरी बदल गई। अब मैं जिस टाइम कराटे ज्वाइन की थी, उस टाइम इतना डरती थी घर वाले और मोहल्ले से, डर की वजह से मैं अंदर सूट सलवार पहनती थी और ऊपर से हिजाब और बुरखे में जाती थी, कि ताकि कोई अम्मी अबू को कुछ कहे ना कि आपकी लड़की कहाँ जा रही है। और बैग में ड्रेस रखती थी कराटे की, वहां पे जाकर चेंजिंग रूम था, तो चेंज करके फिर मैं क्लास करती थी। पिछले महीने में 29 और 30 जुलाई को इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप कोलकाता में आयोजन किया गया था। आपको जान के बेहद खुशी होगी, सिवान के जो पास में जिला है गोपालगंज, और गोपालगंज के टाउन के बिल्कुल बगल में ही है फतहा। फतहा की एक बेटी सिवान गोपालगंज नहीं बल्कि पूरे बिहार की नाम रोशन की है, क्योंकि जो ये आपका 7th इंटरनेशनल जो आपका कराटे चैम्पियनशिप हुआ था, ना कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में सिर्फ इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो पार्टिसिपेट किए थे, बल्कि तकरीबन 6,000 जो इसमें जो प्लेयर हैं उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, ऑल ओवर इंडिया और इंडिया से बाहर के भी। इंडिया के बाहर की बात की जाए तो मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी अरबिया, ईरान, जापान और इटली, ऐसे तकरीबन 6-7 कंट्री, दूसरे कंट्री के भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए थे। अभी हमारे साथ कराटे में गोल्ड मेडल जिन्होंने जीत के लाया है आफरीन जी हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते सर, और आप के चैनल पे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन सभी का नमस्ते। थोड़ा तेज तेज बोलो, तेज बोलो आप, अब तेज बोलना ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो अलग अंदाज टीम की ओर से, आपने गोपालगंज ही नहीं, सिवान ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का आपने नाम रोशन किया। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलो एक बेसिक सवाल से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सबसे अभी आप कौन से क्लास में हो? अभी मैं बी फर्स्ट ईयर में से हूँ। अच्छा, तो पहले आप खुद के बारे में बताइए, गांव का नाम, अपने पिताजी का नाम, और जो कुछ भी इसमें आप ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो।
मेरा नाम आफरीन सिद्दीकी है और मेरे अब्बू का नाम फरमान अली है। मेरा गांव फतहा पड़ेगा और मैं जिला गोपालगंज से बिलोंग करती हूँ। ठीक है। स्कूलिंग आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरुआत से? शुरुआत मेरी स्कूलिंग मेरी गांव से ही स्टार्ट हुई थी। गांव की एक छोटी से मदरसे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद? उसके बाद धीरे धीरे मैंने आगे जाने की कोशिश की, घर वाले से परमिशन लिया, उनसे बोली तो गोपालगंज में ही मतलब एडमिशन करवाए और गोपालगंज में ही मैं पढ़ना स्टार्ट की। रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में मेरी एडमिशन हुई। मैं वहां पे 8 क्लास तक अपना स्टडी की। ठीक। उसके बाद 9-10th आपने कहाँ से किया? उसके बाद फिर 9th और 10th दुर्गा में एम एम उर्दू मेमोरियल हाई स्कूल है, उसमें मैंने 9th और 10th किया। इंटर भी मैंने वहीं से किया। अभी अच्छा। बीए फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो मैं LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से मैं कर रही हूँ। बीए फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा है। हाँ अच्छा, मतलब 9-10th आपने, सॉरी, 10th आपने बिहार बोर्ड से ही किया है ना? जी, 10th और 12th दोनों। दोनों आपने बिहार बोर्ड से ही किया है। तो ये बताओ, बिहार ज़्यादातर कोई CBSE स्कूल के बच्चे होते हैं तो स्कूल में इस तरह का फैसिलिटी होता है, कराटे या स्पोर्ट्स वगैरह पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन आपने जी बिहार बोर्ड से स्कूलिंग किया है, या शायद 8 से पहले आप CBSE बोर्ड में थी, तो ये चीज़ें कहाँ से आया जी कि हमको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, कराटा सीखना एक्चुअली चाहिए, ये आपके जहन में कैसे आया? मेरी स्टडी रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हुई है 8 क्लास तक। उसमें सर वहाँ के टीचर जो थे, वहाँ पे स्पोर्ट्स भी इंक्लूड था मेरे स्कूल में, तो वहाँ पे कराटे की क्लास होती थी। तो मैं देखी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि बच्चे कर रहे हैं। मेरे ग्रुप के सारे गर्ल्स और बॉयज करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं भी सोची कि क्यों ना मैं भी जाऊं। तो मैं अगर उसमें गई तो मुझे काफी अच्छा लगा। 1 दिन 2 दिन मैंने क्लास किया। लगभग मेरे को क्लास करते 3 मंथ्स हो गए। उन 3 मंथ्स में जितने भी वहां पे बच्चे थे, पार्टिसिपेट किए थे, क्लास में से आते थे, उसमें से मेरा सबसे अच्छा प्रदर्शन था। सबसे अच्छा मेरा हर एक चीज मोमेंट था। जैसे सर बताते थे वैसे मैं तुरंत कैच कर लेती थी। 3 मंथ्स में मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का उन्होंने मतलब टूर्नामेंट किया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरा सिल्वर मेडल आया। फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, आगे और अच्छे से आप ट्रेनिंग करोगे, काफी अच्छा आप कर लोगे। फिर 3 मंथ्स के बाद मैंने ट्रेनिंग और अच्छे से करना स्टार्ट कर दिया और स्टडी भी साथ ही साथ चलता था दोनों। कुछ महीनों बाद फिर से स्टेट चैंपियनशिप हुआ, जो कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ। गोपालगंज में ही हुआ था, अम्बेडकर चौक में, अम्बेडकर चौक में हुआ था। फिर वहां पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। अच्छा। तो गोल्ड मेडल आया, फिर वहां पे मेरी सिलेक्शन मतलब कुछ दिन के बाद सर आए, जो मेरे कोच थे, सिखाते थे स्कूल में आकर स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने आकर बताया कुछ दिन के बाद कि आफरीन आपका सिलेक्शन नेशनल के लिए हो गया है, आपको दिल्ली चलना पड़ेगा। तो मैं काफी खुश हुई, काफी खुश हुई कि हाँ चलो। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और गांव से बिलोंग जीत करके मैंने टाउन में जाना स्टार्ट किया। अब टाउन से मेरे को सिटीज में जाना था, दिल्ली मेरे को फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट ट्रेवलिंग था कि मैं दिल्ली जा रही हूँ। और काफी खुशी भी थी कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं दिल्ली जा रही हूँ खेलने। मैंने दिल्ली जाने के लिए टीचर ने बताया, जो पूछ उन्होंने बताया कि आपको बेटा दिल्ली जाने में आपको तकरीबन 35,000 खर्चा लगेगा। ये टू अच्छा, थाउजेंड सिक्सटीन की बात है, 2016 की टू बात है। थाउजेंड हाँ 2016 की बात है। उस टाइम बोले थे वो कि 35,000 रुपया आपका लगेगा, जिसमें 25,000 आपका किट, हम लोग जो कराटे सीखते हैं उसमें किट होता है, जैसे हाथ में ग्लव्स हो गया, चेस्ट गार्ड हो गया, पैर में सीन गार्ड हो गया, ड्रेस हो गया, बेल्ट हो गए, 2 कलर के, व्हाइट रेड और ब्लू, 2 कलर के बेल्ट होते हैं, वो हो गए। तो उन्होंने मेरे से ये बोला कि आपको 25,000 में किट में दूंगा और 10,000 ट्रैवलिंग का, आने और जाने और एंट्री फी हो गया। टोटल आपका 35,000 रुपया लगेगा और आना जाना आपका रहेगा। तो मैं घर पे आई, जीत की, तो कोई नहीं माना, अम्मी अबू भी नहीं माने, बोले कि इस टाइम इतना पैसा तुमको कैसे लाकर दे सकते हैं, कहाँ से लाकर दें, उतना तो है नहीं इनकम की आपको दिया जाए। फिर मैंने अपने चाचू से बोला, दादा से बोला, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। दादा काफी ज्यादा सपोर्ट किए, मनाए, आपके चाचू को मनाए, आपके दादा का क्या दादी नाम भी। है? मेरे दादा का नाम सिराजुद्दीन है, चलिए ठीक है, सिराजुद्दीन अहमद ठीक, आगे कंटिन्यू जी। कीजिए। और जी दादी भी बहुत सपोर्ट की, तो अब्बू मान गए। अब्बू मेरे बहुत मतलब नहीं मानते थे इस चीज से, बोलते थे कि लड़की आपके है, दादा भी नमाज कुरान हैं? पढ़ती।
अभी हैं दादा नहीं आपके? दादा, नहीं दादा की डेथ इंतकाल हो चुके अच्छा, हैं आपकी दादी हैं, जी, दादी हैं तो दादी अभी आपके पास हैं, आप उनको अपने पास बैठा सकती हैं अगर पॉसिबल हो तो। दादी सो चुकी हैं, अच्छा वो ठीक ठीक है, अभी ठीक है, कंटिन्यू, नहीं। ठीक है। फिर मैंने जिद किया तो उन्होंने बोला कि अबू से बात किया, अबू बाहर रहते थे तो अबू से कांटेक्ट करके बात किए, चाचू से बात किए, सब मतलब मनाने लगे। फिर कुछ दिन के बाद दादा बोले कि आप नहीं दोगे तो मैं दूंगा पैसा, लेकिन मेरी पोती जाएगी। फिर चाचू ने बोल दिया अबू से कि अब आप भैया इसको जाने दीजिए, एक मौका दिया जाए, कहीं निकल जाए तो अच्छा है। तो मतलब दोनों अबू और चाचू ने मिलकर पैसा दिया, 35,000 कैसे भी इकट्ठा करके मैंने अपनी टीचर को ले जाकर दे दिया। जब टूर्नामेंट हुआ तो उन्होंने, मैं और गोपालगंज के और भी 3-4 खिलाड़ी थे जो कि हम लोग ग्रुप में जा रहे थे, हम जी, लोग गए वहां पे दिल्ली, हम लोग दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग होटल में रुके थे। काफी उस टाइम मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, ना कुछ जानकारी थी कराटे के बारे में कि कैसे होता है कैसे नहीं। बस हाँ टीचर जैसे बताते थे उसको मैं कैच कर लेती थी बहुत जल्दी, और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा था डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में। उन्होंने बोला कि चलो, तो मैं वहां पे गई तो काफी बड़ा स्टेडियम था। मैं देखकर नहीं होता है कि हाँ बहुत मैं शॉक में हो गई कि मैं यहाँ पे कैसे खेलूंगी, क्या करूंगी, मैं फिर कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हार जाऊंगी। मैं पहले ही मतलब एक्सेप्ट कर ली मतलब आपको मेरे से लगता नहीं था हो कि पाएगा यहाँ मेरे इतने को। कम लोग हैं, इतने कम लोगों के हाँ बीच में हम थे, यहाँ इतने सारे लोग, पूरे कहाँ कहाँ से इतने लोग सारे आए आ हैं। गए हैं, हाँ और फर्स्ट टाइम उतनी बड़ी स्टेडियम मैंने, तालकटोरा स्टेडियम मैंने देखा था। काफी बड़ा था, काफी बड़ा था, मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ा था। मैं मतलब घूमते घूमते उसमें भूल जाती थी, तो मैं वहां पे गई तो बहुत कंफ्यूज हो गई। मतलब नहीं होता अनकंफर्टेबल फील करना, मतलब मैं यहाँ पे कैसे खेलूंगी, कैसे करूंगी, कैसे भी करते हुआ। हम लोग ग्रुप थे दो तीन, और भी दो तीन गर्ल्स थी, दो बॉयज थे, 5-6 गए थे। मेरा फाइट हुआ तो मेरे को उतनी नॉलेज नहीं थी, और फर्स्ट टाइम वहां पे गई थी, आई थिंक दिल्ली की लड़की से ही मेरी फाइट हुई थी, तो मैं फर्स्ट राउंड में आउट हो गई, फर्स्ट अच्छा, राउंड में ही आउट हो गई जी। फिर मेरे ग्रुप के भी कुछ गर्ल्स और बॉयज थे, वो भी सेकेंड थर्ड तक जाते जाते उन लोग भी मेडल नहीं निकाल पाए, बट पार्टिसिपेट किए थे उसमें। एक हफ्ता तक ट्रैवलिंग था, उन लोग का एक वहां। हफ्ता तक हम लोग वहां पे रुके। फिर वहां से हम लोग घर आए। घर आने के बाद वहां पे टीचर ने बोला था कि आपको वहां पे पहुंचने के बाद आपको ड्रेस किट सारा चीज आपको मिल जाएगा, बट कोई कुछ भी नहीं मिला हम लोग। जो पैसा हम लोग दिए थे 35,000, मेरा और भी बच्चे दिए थे दो तीन चार गए थे, वो सारे दिए, उनका भी पैसा लेकर वो टीचर मतलब भाग गए, कहीं दोबारा अच्छा, जो आप नहीं लोगों को दिखे लेकर जी। गए थे वो मतलब वहीं से गायब हो गए, दिल्ली से ही? नहीं, सही सलामत पहले गोपालगंज ला दिए, और उसके बाद मतलब उन्होंने मतलब स्कूल छोड़ दिया और कांटेक्ट वगैरह करना बंद कर दिया पैसा हम लोग लेकर से गायब जी, हो गए? अच्छा पैसा लेकर ठीक गायब है। हो गए। अब ये और ये बात पता चली घर वालों की कि आपको किट नहीं मिला, इतना पैसा दिलाया आपको कैसे करके आपको दिए, बट आपको किट नहीं मिला, और टूर्नामेंट में भी आपका अच्छा नहीं प्रदर्शन रहा। तो इन लोग थोड़ा मायूस हो गए, नाराज हो गए, और बोलने लगे कि आप कराटे छोड़ दो, नहीं करना है आज के बाद से, आपको नहीं करना है, बस पढ़ाई पे फोकस करो, वरना ये भी बंद कर दिया जाए। तो कब मैं कब की कराटे बात है? छोड़कर पढ़ाई 2019, पे, 20, 18 कब की बात है ये? 2016 की बात है ये, 2016 की बात है, ठीक है। 2016 की बात है। उस टाइम मैं छोड़ दी, आई थिंक जनवरी में हुआ था ये फाइट टूर्नामेंट दिल्ली में। फिर मैं छोड़ दी, फिर अपना पढ़ाई पे फोकस करने लगी। पढ़ाई पे अपना पढ़ाई कंप्लीट की, करने के बाद जब 8 क्लास में मैं गई रियान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में, मेरा 8 क्लास में जब आगे गई तो उस टाइम मेरे अब्बू की सैलरी नहीं मिलती थी, और उनका मतलब जॉब भी चला गया था, तो पैसे थे नहीं मेरे पास, और अब्बू के घर वाले के पास किसी के पास नहीं थे। तो घर वाले ने बोला कि आप अब बहुत पढ़ाई कर लिए, अब आप पढ़ाई छोड़ दो, अब घर पे बैठ जाओ, लड़की हो आगे पढ़कर क्या कर लोगे, घर ही में रहना है, खाना बनाना है, और घर में देखना है, सब करना है। अच्छा, तो मैं बोली ठीक है, मैं भी मान गई, मैं क्योंकि मेरे अंदर जिद था, बट इन लोग के सामने और पैसे नहीं, मैं देखी कि नहीं इन लोग के पास नहीं कर पाएंगे, तो मैं बोली कि ठीक है नहीं उस पढ़ूंगी टाइम कौन से क्लास में थी आप? ऐसे। उस टाइम मैं 8 क्लास में थी, अच्छा। 2017 की बात है, उस टाइम मैं 8 क्लास में थी, तो मैं छोड़ दी, मैं 8 क्लास कंप्लीट भी नहीं की थी। घर आकर बैठ गए, 5-6 महीना बैठे हुए घर पे हो गया, बस घर का काम करते थे और नॉर्मली रहते थे घर पे। एक दिन की बात है कि घर के बगल में ही एक रियल कॉन्वेंट एकेडमी स्कूल है जिसमें मेरे दो भाई पढ़ते थे, छोटे भाई,
तो उन लोग का फी जमा करना था मेरे को। तो मैं फी जमा करने गई तो वहां के जो डायरेक्टर थे वो उन्होंने मेरे से पूछा, आफरीन अभी आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोली, सर अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ, पढ़ाई बंद है और घर पे मैं हूँ। तो उन्होंने बोला कि क्या आप यहाँ पे पढ़ाना चाहोगे? तो मैं सुनी तो काफी खुश हुई, काफी खुश हुई। उस खुशी का कोई मतलब ठिकाना नहीं था कि हाँ मेरे को एक आगे जाने का रास्ता मिल गया। पढ़ने के लिए मैं ये आपको बात ऑफर किया अब गया कि पढ़ाने के लिए? पढ़ाने के लिए ऑफर मिला, पढ़ाने के लिए कि आप यहाँ पे नर्सरी प्ले 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 के बच्चे को नर्सरी और LKG UKG ये 4 क्लास को मेरे को हैंडल करना था, देखना था। और उस टाइम मेरी सैलरी थी 1500, 1500 मेरी सैलरी थी। उन्होंने बोला कि आफरीन आपको 1500 दिया जाएगा और 1 ईयर बाद आपको मतलब 500 रुपया आगे मतलब बढ़ा दिया जाएगा। उस टाइम 2016-17 में मेरे लिए 1500 रुपया काफी ज्यादा था मेरे लिए। तो मैं बोली ठीक है सर, मैं उनसे ओके बोलकर घर पे आ गई और अम्मी से बोलने लगी, अम्मी मैं जाऊंगी पढ़ाने। तो अम्मी थोड़ा सा बोली कि नहीं जाना है, तुम लड़कियों को पढ़ाने जाओगी, नहीं जाना है, गांव कम बात है, बोलने लगेगा कि उनकी लड़की पढ़ाने जाती है, ये वो बहुत सारी बातें आने लगी, तो आपको नहीं जाना है, ऐसी बातें आई। मैं बोली कि नहीं मैं जाऊंगी, एक मिनट मैं रुक जीत जाओ, रुको करके। एक मिनट, ऐसे 1-2 मिनट थोड़ा सा अजान हो जाने दो, उसके बाद फिर बात करते हैं हम। हाँ जी बताइए। हाँ तो जी पंद्रह तो सौ फिर रुपये मैंने घर बहुत पे अम्मी से जिद करने लगी, तो अम्मी बोली नहीं नहीं जाना है आपको, डायरेक्ट मना कर दी। मैं बोली मैं तो जाऊंगी, घर की बात है, घर की बगल में ही, और भी वहां पे लड़की आती थी पढ़ाने के लिए जो कि मेरे से सीनियर थी। मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, बहुत छोटी थी, और मेरे से लगभग 5-6 साल सीनियर अप्पी लोग आती थी, मतलब मेरे से बड़ी, गांव की ही थी वो। तो मैं बोली अप्पी लोग जा रही है, मैं भी जाऊंगी, जो पैसा आएगा वो मतलब आगे मैं पढ़ लूंगी। और घर के भी अगल बगल के लोग भी कहते थे कि इसको पढ़ाया नहीं, लड़की है, मतलब ये भी कमेंट करता था लोग कि पढ़ाया नहीं, और ये भी कमेंट करता था कि पढ़ाना भी नहीं चाहिए, दोनों कमेंट करता था लोग। तो मैं बोली कि और ये भी बोलता था कि लड़की है, सांवली है, काली है, इससे कौन शादी करेगा, एक तो पढ़ा नहीं रहे हो आप लोग, बहुत सारा ऐसी बातें बोला लोग कि आप लोग पढ़ा नहीं रहे हो और सांवली है, कोई शादी भी नहीं करेगा, इससे बहुत आगे आप लोग को प्रॉब्लम होगा। तो ये बातें मेरे को सुनकर तो बहुत थोड़ा अजीब लगता था। फिर उसी वक्त मैंने जिद किया कि मैं कुछ करूंगी। जब लोगों ने बोला ना कि ये सांवली है, कुछ कर नहीं पाएगी, इसकी शादी नहीं हो पाएगी, तो मैं अपने अंदर एक जिद पाली कि कोई बात नहीं, मैं आगे कुछ करूंगी, मेरे को कुछ करना है, मेरे को पढ़ना है बस। तो मैंने वो स्कूल ज्वाइन किया, स्कूल ज्वाइन किया तो वहां पर मेरी सैलरी 1500 थी, काफी ज्यादा मेरे लिए वो 1500 था। मैं वहां पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, लगभग वहां पे 1 साल तक मैं कंटिन्यू थी। कंटिन्यू तो मैं 5-6 साल तक वहां पर पढ़ाई, बट 1 साल का इनकम में जो आया था मेरे पास वो सारा सेव करके रखी। आगे मैं सोची कि 9th में कंप्लीट कर चुकी थी, 10th में थी, 10th में ही मैं कंप्यूटर का कोर्स करना स्टार्ट किया। मेरे को बाहर जब गई तो मेरे को अच्छा लगा, मतलब टाइपिंग करना मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तो मेरी फ्रेंड भी करती थी लोग कंप्यूटर का कोर्स, तो मैं बोली मैं भी करूंगी। तो मैं अम्मी से बोली कि अम्मी मेरे को कंप्यूटर का कोर्स करना है। तो अम्मी बोली अब तुमको कंप्यूटर का बुखार चढ़ गया, पहले पढ़ाने का शौक था, अब कंप्यूटर में जाओगे, नहीं जाना है, लोग क्या कहेंगे कि अब बेटी को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है। तो मैं बोली ठीक है आप मत करो। जो पैसा मैं सेव करके रखी थी वो क्या की मैंने कि वहां पे मैं गई गोपालगंज में ही इंस्टीट्यूट था एक, ग्लोबल कंप्यूटर अकेडमी, मैं वहां पे गई तो उनसे बात की, सर थे उनसे बात किए कि सर मेरे को टाइपिंग सीखना है। मैं बस टाइपिंग करने के मकसद से वहां पे गई थी, मेरे कोई जानकारी नहीं थी कि हाँ कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे होते हैं फंक्शन, बहुत सारे होते हैं जो कि आप आगे कोर्स कर सकते हो, उसका कुछ जानकारी नहीं थी। तो मैं वहां पे गई तो उन्होंने सारा चीज मेरे को बताया कि कंप्यूटर में ये टॉपिक होता है, आप ये करोगे तो ये बेनिफिट है, ये करोगे तो ये बेनिफिट है। उन्होंने मेरे को बताया कि आप ADCA कर लो, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने बोला कि ठीक है सर। तो मैं बोली कितने दिनों में ये कंप्लीट मैं कर लूंगी ADCA? उन्होंने बोला कि आप 1 साल में कंप्लीट कर लोगे अगर अच्छे से आप मेहनत करके किए तो। मैं बोली ठीक है सर। मंथली वहां पे 600 था और उसका रजिस्ट्रेशन फी 500 था। मैंने रजिस्ट्रेशन फी भरा और मंथली फी भरा, दोनों भरकर मैंने एडमिशन ले लिया। वहां की टाइमिंग थी 6 दोपहर में 2 से 4, और मेरी स्कूल की टाइमिंग थी 7 से 1। तो 7 से 1 मैं यहाँ पे पढ़ाती थी और 2 से
4 मैं कंप्यूटर क्लास चली जाती थी। ये ट्रैवलिंग मैं पैदल ही करती थी, पैदल आती थी पैदल जाती थी, तुरंत यहाँ से भागकर वहां बिना खाए पिए बिना कुछ किए तुरंत स्कूल से निकलकर तुरंत उधर से उधर क्लास भाग जाती थी, क्योंकि ये सोचती थी कि घर पे आएंगे तो फिर अम्मी मना करेगी, फिर बोलेगी नहीं जाना ये हो, फिर उधर से उधर मैं स्कूल से ही मैं कंप्यूटर क्लास चली जाती थी। तो मैं ऐसे करके मैं 1 साल तक की कंप्यूटर का कोर्स मैं 6 मंथ तक मैं वहां पे कोर्स की, तब तक काफी अच्छा मेरे पास नॉलेज हो चुका था, काफी मैं स्ट्रगल की, काफी मेहनत की और काफी अच्छा मेरा मतलब मैं वहां पे 6 मंथ तक बहुत अच्छा मेरा कोर्स कंप्लीट हो चुका था। तो वहां के जो टीचर थे तो बोले आफरीन आप रिसेप्शन पे काम करोगे। अच्छा। मैं बोली मेरे लिए और खुशी की बात हो गई कि मैं 1500 रुपए थी अभी मैं रिसेप्शन पे आ गई। रिसेप्शन का जॉब में जॉब करने के लिए वो मेरे को 5000 देते थे, बोले कि मैं 5000 आपको दूंगा, तो 5000 में 500 मेरा मंथली फी काटते थे और 45 रुपया मुझे देते थे। तो मैं ये सुनी, उन्होंने ये बात बताया कि मैं आपको 4500 रुपया दूंगा और 500 रुपया आपको मंथली मैं काट लूंगा, बोले ठीक है सर। और उन्होंने बोला कि आप मॉर्निंग में 7 बजे आ जाना, 7 से 1 आपको रिसेप्शन का काम करना और लैब रूम में चले जाना, बच्चों को टाइपिंग करने का सिखा देना और फंडामेंटल्स में जो भी आप बताया गया है वो आपको पढ़ा देना है, बता देना है अगर वो ना समझे, अगर भूल गए। मैं बोली ठीक है सर। मेरे लिए काफी अच्छा ये अपॉर्चुनिटी था कि हाँ मैं 1500 से डायरेक्ट 4500 पे चली गई। उस टाइम मेरे पास कुछ था भी नहीं कि मैं उससे जाऊं और आऊं, और ऑटो के लिए सोचती थी कि तो मैं ये सोची कि अगर मैं ऑटो में लगा देती हूँ तो आगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। मैं पैदल ही ये स्ट्रगल किया, मैंने पैदल ही स्ट्रगल किया। मैं स्कूल में कुछ मतलब 2 साल मैंने स्कूल, 1.5 साल लगभग मैंने स्कूल को देखा था, 1.5 साल के बाद मैंने सर से मतलब झूठ बोलकर मैंने छुट्टी ले लिया। मैंने ये नहीं बताया कि मेरी रिसेप्शन पे जॉब लग गई है तो मैं स्कूल छोड़ रही हूँ। मैं ऐसा बोली कि सर मुझे थोड़ा काम है, मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगी कुछ महीनों तक। उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है आप जाओ अपना काम कर लो, फिर अगर फ्री हो गए तो आप यहाँ पे, आपके लिए हमेशा ये खुला रहेगा स्कूल। बोले ठीक है। मैं इस रिसेप्शन का जॉब ज्वाइन कर लिया वहां पे 7 बजे, मतलब घर पे, घर से मैं 6:30 बजे निकल जाती थी और वहां पे मतलब 7 बजे तक वहां पे पहुंच जाती थी। वहां पे जाकर बैठकर सारा जो भी एडमिशन होता था बच्चों को वो करती थी और जो भी एडीसी के बारे में बताना था वो सारा बच्चों को बताती थी, और फ्री टाइम में लैब रूम में चली जाती थी और बच्चों को टाइपिंग वगैरह करना सिखाती थी। ऐसे करते करते जो वहाँ का पहला सैलरी मतलब 45 मिला मेरे को, तो मैं सोची कि इतना स्ट्रगल कर रही हूँ क्यों ना मैं एक साइकिल ले लूँ। अच्छा। मैं जी जो मेरा पहला सैलरी था वो पहला सैलरी मतलब रमजान का महीना था, मैंने पूरा 300 रोजा किया था और 300 रोजा करके पैदल मतलब गई थी और पैदल आई थी। 300 रोजा मैंने किया और पैदल गया, पैदल आई थी। बहुत धूप था, बहुत मतलब स्ट्रगल बहुत उस टाइम हुआ था। मैं बोली कि ये जो पैसा मिला अब मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं साइकिल ले लेती हूँ। तो अच्छा। जब मैं मेरा पेमेंट मिला 1 मंथ का, तो मैं घर वालों को नहीं बताई, तुरंत जाकर वो पेमेंट लेकर उसी टाइम जाकर मैं साइकिल ले ली, मतलब 4500 का पूरा, उसका मैं यूज भी नहीं की, मैं जाकर साइकिल ले ली। साइकिल लेकर घर पे जब आई तो घर वाले देखकर चौंक गए, मोहल्ले वाले देखकर चौंक गए, इसको साइकिल कौन दे दिया। बहुत नेगेटिव बात भी उठा है कि हाँ कोई दिया होगा, कोई अफेयर होगा, कि बहुत अनलिमिटेड। अम्मी से बोला अम्मी मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ वहां पे मेरी सैलरी मिली है तो मैं साइकिल। तो सर से भी मैंने बात कराया था, ऐसा टाइम आया था कि मतलब बिलीव नहीं था कि मैं सर से भी बात कराई, तो उन्होंने बोला कि जी मैंने पेमेंट किया था और रिसिप्ट वगैरह सारा वो दिखाया था कि हाँ मैं पेमेंट किया। ऐसे करते करते वहां पे मैं 1 साल वहां पे मेरा एडीसी में फर्स्ट डिवीजन आया था, 74% आए थे, ए ग्रेडिंग आया था। फिर मैंने वहां पे स्टेपिंग करना मतलब मेरा मन भर गया था, मतलब मैं थक गई थी वहां पे एक जगह बैठने से। नहीं होता है कि आदमी बना कुछ और के लिए रहता है, कहीं और चला जाता है। तो जो भी वहां पे मेरा इनकम आया था वो उसको मैंने सेव किया था। सेव करने के बाद मैं उसी टाइम मेरा मैट्रिक का भी एग्जाम पड़ा हुआ था, तो मैं बोली कि ठीक है सर मेरा मैट्रिक का एग्जाम है, मैं कुछ दिनों के लिए मतलब छुट्टी लेना चाहती हूँ वहां से, कंप्यूटर वाली जगह से। मैं मैट्रिक का एग्जाम मतलब 2021 में आई थी पढ़ा, नहीं 20 में पढ़ा था। मैंने एग्जाम दिया और देने के बाद फिर जब टाइम मेरे को मिला तो उन्होंने कॉल किया कि आफरीन आपको ज्वाइन नहीं करना है क्लास,
रिसेप्शन का जॉब, बोले नो सर मेरे को टाइम नहीं, मेरे को पसंद नहीं आया। 1 साल तक मतलब मैं की थी, बहुत थक गई थी। बट फिर मैंने जब मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, कंप्लीट हो गया, तो घर वाली का मतलब उन्होंने मतलब कहना स्टार्ट कर दिया, चलो ठीक है तुम्हारी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई, अब तुम्हारी शादी वगैरह कर देते हैं, अब घर पे रहना है, क्या करोगे आगे, आगे नहीं पढ़ना है। मैंने 9th 10th 8 9th 10th और 12th मतलब खुद के ही जो भी इनकम आया था उससे मैंने अपना पढ़ा, तो भी इन्होंने बोला कि नहीं आपको अब आगे नहीं पढ़ना है, नमाज कुरान ये सब इसके बारे में जान गए हो काफी है आपके लिए, मुस्लिम लड़कियां मतलब पर्दे में अच्छी लगती हैं, अनपर्दा मतलब आपको नहीं होना है, और जिस माहौल में आप रहते हो उस माहौल में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ आप, मैं पहली लड़की हूँ जो कि फतहा गाँव की, जो कि मैं जॉब करती हूँ और इस लेवल तक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक मैं मेडल लाई हूँ, मैं पहली लड़की हूँ गोपालगंज में, और बिहार पूरे फतहा में कोई भी लड़की, किसी के भी माँ बाप इजाजत नहीं दिए हैं कि हाँ आप जाकर जॉब करो या आगे पढ़ाई करो, उतने कम एज में, मेरे से छोटी और वो भी जी उसने इतने कम कम एज एज में। में। हाँ ठीक। मैंने जब मैट्रिक का कंप्लीट किया एग्जाम, एग्जाम लॉकडाउन लग उसके बाद गया लॉकडाउन में मैं क्या करूं क्या करूं, मैं जब भी बाहर जाती थी जब कंप्यूटर का कोर्स करती थी तो जो मैं बाहर जाती थी तो बहुत सारे लड़के कमेंट करते थे, बहुत सारे लड़के कमेंट कर, पैदल में जाती थी और बहुत पीछे से कमेंट करेंगे, आगे से कमेंट करेंगे, कभी कभी तो आगे आ जाएंगे, तो नहीं होता है कि हिम्मत रहते हुए भी मैं थोड़ा डर जाती थी कि नहीं मतलब मेरे को नहीं बोलना चाहिए या मैं बोलूंगी तो कुछ कर देगा ऐसा कुछ। एक बार की बात है कि मतलब मैं कंप्यूटर क्लास ही जा रही थी तो एक लड़का था कि सामने से आकर मतलब बोल रहा था कि मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैंने उसका कॉलर पकड़ के एक थप्पड़ दिया था, तो उस टाइम भी तो तो ये मतलब सब तो पता आते ही था, नहीं, कराटा एकाध दो दे देते। नहीं उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं की थी कराटे क्लास, पहले सीखा हुआ था तो थोड़ा बहुत तो आता मतलब था ना, आप बॉडी दिल्ली वगैरह से सब घूम के आ चुकी जी थी। हाँ जी जी थोड़ा बहुत नॉलेज थी, तो उतनी नॉलेज नहीं थी कि हाँ कोई अगर ऐसा करता है तो हाँ हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने उसको एक चांटा भी लगाया था, तो बोला था कि धमकी दिया कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, बोले ठीक है तुम जो करना हो कर लेना, मैं फिर कंप्यूटर क्लास, तो कहीं ना कहीं ये चीज मेरे दिमाग में मतलब दौड़ा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, और जिस मैं माहौल में हूँ वहां के माहौल काफी डिफरेंट है, काफी डिफरेंट बोला जाए तो, आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो बेपर्दगी में बिना दुपट्टे का या बिना हिजाब का, तो तुरंत आपके ऊपर सवाल उठ जाएगा, आपके कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठ जाएगा। मैं जब कराटे ज्वाइन की थी 2019 लास्ट दिसंबर में, मान लीजिए 20 मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं जब कराटे ज्वाइन की तो अम्मी अब्बू, अब्बू तो नहीं, अब्बू को कुछ पता नहीं था कि मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं कंप्यूटर का भी कोर्स कंप्लीट कर रही हूँ, अब्बू को कोई जानकारी नहीं, अब्बू बहुत मतलब नहीं होते कि नहीं, वो मतलब बोलते थे कि आपको कुछ नहीं करना है, अच्छा, आपकी बोल मम्मी देते थे कि आपको ये काम सपोर्ट नहीं की, ये करनी चीज़ें उन्होंने शेयर नहीं किया कि ताकि नाराज होंगे, जी, गुस्सा। अब्बू से भी कुछ हाँ शेयर नहीं किया, अब अम्मी ये सपोर्ट की, दादी भी सपोर्ट की काफी, दादा भी सपोर्ट किए काफी, तो मैं उतना तक गई। फिर मैं 20 से मैं फिर से कराटे में चली गई, मैं बोली कि मैं रात में ऐसे ही मतलब नॉर्मली इसी टाइम का वक्त था, मैं बैठी हुई थी और मैं सोच रही थी कुछ कि मैं आगे क्या करूं, एक घर वाले का प्रेशर था और मैं सोच रही थी मैं मैट्रिक कर ली, कंप्यूटर का भी कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आगे मैं क्या करूँ, कुछ आइडियाज भी नहीं थे कि मैं क्या करूँ, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूजन में थी, और घर वाले का टॉर्चर था कि मतलब शादी वगैरह करके हटा देंगे आपको, आप पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मैट्रिक का एटलीस्ट आप मैट्रिक मैट्रिक कर ली काफी है आपके लिए, बहुत ज्यादा है, आपके एज की लड़कियां अभी तक कोई कुछ नहीं कर पाया है, सब घर में बैठी हैं, आप भी बैठी। मैं बोली ठीक, मैं रात के टाइम था, मैं बोली कि मेरे को मार्शल आर्ट्स करना है, मेरे को मार्शल आर्ट्स सीखना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है, मैं मतलब कराटे खेल के लिए मैं ज्वाइन नहीं की थी, कराटे सेल्फ डिफेंस के लिए मतलब ज्वाइन किया था, सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने ज्वाइन किया था। मैं गई तो मतलब 2020 21 और 2022 मैंने 3 साल इतना मेहनत की, इतना मतलब उस कराटे में मैंने मेहनत किया, 2 साल में मैंने ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया, बहुत स्ट्रगल किया, मैं कराटे क्लास जाती थी और फिर जब मैं कराटे क्लास ज्वाइन की तो मैं बोली अब मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, जो पैसे थे वो तो मैंने लगा दिए, कराटे में मैंने बहुत पैसे लगाए थे, जो भी मैंने मैंने सेविंग करके रखा था सारा मैं उसमें लगा दी,
मैं बोली अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, मैं क्या करूं। मैं तुरंत जो स्कूल में छोड़ी हुई थी 1500 वाला, फिर मैं ज्वाइन कर ली। मैं बोली अच्छा सर मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला ठीक है। तब तक लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे हल्की फुल्की पढ़ाई होती थी, लेकिन जो पेमेंट था वो टीचर को वो दे रहे थे। तो लॉकडाउन में तो पढ़ाई हो नहीं रही थी। जो लॉकडाउन जब खुला तो उन्होंने बोला कि ठीक है, ऑनलाइन जब क्लास चलता था उसका पेमेंट दे देते हैं। ऑनलाइन क्लास होती थी उस स्कूल की, तो जो ठीक भी पेमेंट आया तो मैं बोली ठीक है, ये ही मेरे लिए ठीक है। तो मैं मैट्रिक कंप्लीट की, एडीसीए भी कंप्लीट कर ली। अब मैं कराटे लाइन में चली गई। मैट्रिक के बाद मैं कराटे में चली गई। कराटे में जाने के बाद मैं बस गई वहां पे सेल्फ डिफेंस के लिए। मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था, और वहां पे 2 साल तक मैं सेल्फ डिफेंस की ही ट्रेनिंग की, गेम की कोई ट्रेनिंग मैंने नहीं की। और मेरे को वो जो टीचर थे वो मेरे को बताया भी नहीं कि हाँ इसमें आपका एक अच्छा कैरियर भी है, उन्होंने कुछ नहीं बताया। मेरे को बस सेल्फ डिफेंस आपको सीखना है, आना है, कैसे डिफेंस किया जाता है, कैसे अटैक किया जाता है, कैसे आपको बचना चाहिए, अगर रोड पे चल रहे हो तो कैसे आपको रहना कर रहे हो चाहिए, तो कैसे कैसा रहना रहना चाहिए। चाहिए, ये सारी चीजें मैंने सीखी वहां। उस टाइम मेरा बॉडी बॉडी लैंग्वेज भी काफी बदल गया, चलने का स्टेप, पहनने का तरीका, ड्रेसिंग, ये सारी चीजें मेरी बदल गई। अब मैं जिस टाइम कराटे ज्वाइन की थी उस टाइम इतना डरती थी घर वाले और मोहल्ले से, डर की वजह से मैं अंदर सूट सलवार पहनती थी और ऊपर से हिजाब और बुरखे में जाती थी, कि ताकि कोई अम्मी अबू को कुछ कहे ना कि आपकी लड़की कहाँ जा रही है। और बैग में ड्रेस रखती थी कराटे की, वहां पे जाकर चेंजिंग रूम था तो चेंज करके फिर मैं क्लास करती थी। ऐसे मैं कंटिन्यू 1 साल की, जब मैं 1.5 साल हुआ, जब मेरा ब्लैक बेल्ट कंप्लीट होने वाला था, तो मेरे अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं ब्लैक बेल्ट कर ली हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं करेगा, मैं जो मन करे वो मैं पहनूंगी। तो मैंने टी शर्ट ट्राउजर, मतलब उसमें मतलब कंफर्टेबल टी शर्ट ट्राउजर मेरे को लगता था काफी कंफर्टेबल है, टी शर्ट ट्राउजर मैंने पहनना स्टार्ट कर दिया। बट हिजाब मैंने छोड़ा नहीं, हिजाब अभी भी मैं करती हूँ, बाहर निकलती तो हिजाब में ही जाती हूँ। तो मैं कंटिन्यू मतलब जब मैं टी शर्ट ट्राउजर पहनना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है बट मेरे ही एज का है, मेरे हाइट का है, तो उसे मोहल्ले के लड़के और बगल अगल के लड़के सब बोलने लगे कि अपने बहन को नहीं डांट रहे हो, बहन को बोल रहे हो कि जाने के लिए कहाँ जाती है, बड़ी हो गई है, टी शर्ट ट्राउजर पहन रही है, साइकिल से जा रही है, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आने लगे। बहुत सारे भाई आकर घर में गुस्सा से बोलता था कि नहीं जाना है, तोड़ फोड़ करता था, बहुत मतलब बोलता था कि नहीं जाना है, तुमको रोकता था। अम्मी भी उसकी वजह से बोलती थी कि आपको नहीं जाना है, बहुत रोकती थी, बट मैं किसी की नहीं सुनी। मैं बोली मेरे को जाना है तो जाना है। मतलब अभी तक तुम बोला जाए तो जिद से अभी तक मैं यहाँ तक आई। मैंने जिद किया कि नहीं मेरे को सीखना है। जब मैं कराटे ज्वाइन की थी तो उन्होंने, सर ने मेरे बताया था कि आप ब्लैक बेल्ट कर लोगे तो आप कोई भी स्कूल में जाकर सिखा सकते हो और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है। मेरे को ये चीज मेरे को बताया गया कि आपको कोई भी मतलब आप ब्लैक बेल्ट कर लेते हो, कोई भी स्कूल में आप जाकर सिखा सकते हो एज ए ट्रेनर के रूप में। मैं बोली काफी अच्छा है, मैं ये चीज की वहां पे गांठ बांधा, मेरे को ट्रेनर बनना है। मैं इसलिए जीती क्योंकि मैं जिस माहौल से थी वहां की माहौल बहुत डिफरेंट थी। लड़कियों को निकलने नहीं दिया जाता है, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, लड़कियां अगर हंस देती हैं तो उसपे सवाल, अगर कुछ कह देती हैं उसपे सवाल, बहुत बहुत। मैं बोली क्यों ना मैं सेल्फ डिफेंस सीखूं, और सीखने के बाद मैं इन लोग को भी मैं अपने पीछे पीछे लेकर आऊं। मैं बस अपने गांव की लड़कियों के बारे में उस टाइम मैं सोची, लेकिन अभी पूरे इंडिया के लिए मैं सोच रही हूँ। उस टाइम मैं सोची थी कि मैं अपने गांव की लड़कियों को क्यों ना, मतलब अगर मैं सीख लूंगी ना तो मैं एक क्लब खोलूंगी। मैं तो मैं ऐसा मेंटलिटी उस टाइम मेरा था कि मैं अगर सीख लूंगी ना, ब्लैक बेल्ट कर लूंगी, तो मतलब घर के बगल में ही मैं अपना इंस्टीट्यूट खोलूंगी और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सारी गर्ल्स सबको ट्रेनिंग, अगर जो आना चाहता है उसको मैं ट्रेनिंग दूंगी। ट्रेंड और करेंगे आगे ताकि मैं उनके अंदर सुनी कॉन्फिडेंस है और आगे वो भी कुछ करें, है ना। वो भी आगे कुछ करे मेरे को देखकर, मेरे पीछे पीछे वो भी आए। तो मैं ज्वाइन की तो घर वाले बहुत 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 मतलब अनलिमिटेड रोकना स्टार्ट कर दिए कि नहीं जाना है, एटलीस्ट खाना पीना सब बंद। एक एक हफ्ते तक जीत की वजह से मैं खुद नहीं खाती थी पीती थी कि नहीं मेरे को जाना है तो जाना है। कुछ टाइम ऐसा आया कि पढ़ाई लिखाई सब बंद कर दिया, आना जाना घर में लॉक कर देता था लोग कि नहीं जाना है, फिर भी मैं नहीं मानती थी, फिर भी बोलती कि नहीं मेरे को जाना है तो जाना है। फिर कुछ टाइम ऐसा आया, मैं 1 साल 2 साल तक मतलब बस घर वालों को झेली थी, घर वाले नहीं जाने देते थे और मोहल्ले वालों को झेली थी।
उस टाइम ऐसा आया जब मैं ब्लैक बेल्ट कंप्लीट की, तो मतलब मेरे को काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल गया कि मैं स्कूल में जाकर ट्रेनिंग दूं, और मैं एक गर्ल्स थी तो और काफी अच्छा बेनिफिट स्कूल वाले को मिलता, और मेरे को तो मिलता वो अलग ही। तो स्कूल वाले को भी एक गर्ल्स की मतलब जरूरत है, जो कि मैं पहली गर्ल्स हूँ जो कि मैं गोपालगंज में जितने भी स्कूल है मैं उसमें ट्रेनिंग कराती हूँ, अच्छा, जितने भी हाई फाई स्कूल है सारे मैं स्कूल में। मैं अभी प्रेजेंट में अभी ग्रेस स्कूल जो त्रिभुवा साइड में अच्छा है हम आपको उसमें इनवाइट कर रहे हैं। मैं हमारा भी स्कूल है ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस बढ़रिया में। आपको जब मौका बिल्कुल मिले सही तो है। आइए, हमारे स्कूल के जितने सारे बच्चे हैं उनको मोटिवेट कीजिए, गर्ल्स को मोटिवेट कीजिए। तो खैर, इस पे हाँ हम लोग सर बाद में बिल्कुल बात कर लेंगे, फिलहाल आप आगे कंटिन्यू कीजिए। जी। तो मैं ब्लैक बेल्ट कंप्लीट कर ली, तो मैं सर जो मेरे को ब्लैक बेल्ट करवाए उनसे मैं बोली कि सर मुझे आगे करना है, मुझे मतलब जॉब की जरूरत है, क्योंकि मेरे को पैसे की नीड थी, मेरे को आगे जाना था, मुझे कुछ करना था, घर का सपोर्ट कुछ था नहीं। मैं ये स्कूल जो 1500 वाला था मैं छोड़ दूँ। छोड़ने के बाद मैं स्कूल ज्वाइन की कराटे की, जो कि मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग और बॉयज को, गर्ल्स मेरा टारगेट था गर्ल्स, बट उस स्कूल में गर्ल्स बॉयज दोनों थे, तो वो मतलब वहां पे मैंने ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऐसा सोचा मेरे जो टीचर थे कि अब ये ब्लैक बेल्ट कर ली है, ये इसके अंदर जुनून काफी ज्यादा मेरे को दिख रहा है, मतलब कहीं मेरे को मतलब नहीं पीछे ना होता है छोड़ कि दे। मेरे लेवल पे ना आ जाए। अच्छा, उनके अंदर ये डर आ गया, और मेरा जुनून भी काफी था कि मेरे को हाँ करना है तो करना है, और टीचर हैं देख रहे थे कि हाँ काफी अच्छा है इसका प्रदर्शन। मैंने 2 साल में ब्लैक बेल्ट कंप्लीट कर लिया 2 साल में, और इतना अच्छा कि मतलब जो भी आप करवा लो, मैं मतलब नहीं होता है ऑनेस्टली करके दिखा देना, वैसा मैंने किया था। मैं 2 घंटे अगर वहां पे ट्रेनिंग करती थी तो 4 घंटा मैं घर पे आकर ट्रेनिंग करती, मैं 2 बजे सुबह में ही उठ जाती थी, सुबह का 2 बजे मैं उठती थी और 5 बजे तक ट्रेनिंग करती थी, 2 से 5, अच्छा फिर 6 बजे नहा, फिर नहाकर 6 बजे फ्रेश होकर 7 बजे फिर स्कूल चले जाती, फिर जब वहां पे क्लब जाती थी इंस्टीट्यूट कराटे की, तो वहां से 2 से 4 ट्रेनिंग करती थी, फिर वहां पे आते आते घर 5 बज जाता था, 5 बजे आती थी, फिर जल्दी जल्दी घर का काम करती थी, कर फिर रख कर फिर बाहर ग्राउंड है मतलब घर बाहर फील्ड टाइप में है मेरा, तो उसमें बाहर निकल जाती थी ट्राउजर टी शर्ट पहनकर, और 2 घंटा 3 घंटा वहां पे ट्रेनिंग करती थी। रात में भी मैं ट्रेनिंग करती थी और मॉर्निंग में भी ट्रेनिंग करती मतलब थी, ट्रेनिंग ये मीन्स कंटिन्यू प्रैक्टिस मैंने करते थे, है ना? भाई जो वहां पे सीखती थी वही आकर घर पे मैं करती थी। कंटिन्यू मैंने 2 साल किया, 2 साल में मैंने, मेरा जिद था कि मैं ब्लैक बेल्ट करके आगे मैं गर्ल्स को ट्रेनिंग दूँ, मेरी जिद, मैं अगर ज्वाइन की ना सेल्फ डिफेंस के लिए तो मेरी जिद टारगेट यही थी कि मैं 2 साल में अगर कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं कोई भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो मैं ट्रेनिंग दूंगी, एज अ कोच मैं बनूंगी, क्योंकि मेरे को गेम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी ना कुछ बताया गया था। मैंने ब्लैक बेल्ट कंप्लीट किया, मैंने सर से बोला कि सर मेरे को स्कूल ज्वाइन करवा दीजिए, क्योंकि मेरे पास कुछ उतना नॉलेज नहीं था, आइडियाज नहीं थे कि स्कूल में जाएंगे तो कैसे किसी से बात करेंगे, डायरेक्टर से कैसे बात करेंगे या फिर बच्चों से कैसे बात करेंगे। तो मैंने उनसे बोला तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं देखूँ, तो उन्होंने नहीं होता कि हाँ बात को टालना, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना ऐसे मेरे बातों को टालते गए टालते गए, और मेरा है कि ना मेरे पास पैसे थे और ना जो भी थे, मैंने सारा 2 साल में उसमें लगा दिया, सारे अपने पैसे उसमें लगा गए, लगा दिए। ब्लैक उसमें बेल्ट ग्रेडिंग होता है जो कि बहुत ज्यादा उसका खर्चा आता है, उस ब्लैक बेल्ट ग्रेडिंग में मैंने खर्च कर दिया, उसका फी मंथली लगता था वो मैंने दे, टालते रहें, कहाँ तक बताए थे? वहीं तक बताई थी ना आप? जी। फिर मैंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया कराटे सिखाना, फिर मैं स्कूल में ज्वाइन की, फिर उसके बाद जो भी इनकम आता था वो मैं रखती थी, और बस मैं बच्चों को ट्रेनिंग करती थी, अपना खेलना वगैरह सब बंद कर दी थी। फिर 2022, हाँ 22 से फिर मैं कंटिन्यू हो गई, फिर बीच थोड़ा में तेज मतलब बोलिए, कुछ तेज प्रॉब्लम आ बोलिए, गई थी। एक मिनट बोलिए, तेज बोलिए थोड़ा। हाँ जी मैं स्कूल में ज्वाइन की तो स्कूल में गर्ल्स और बॉयज दोनों को सिखाती थी, बस मेरा टारगेट था कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग उन लोग को दी जाए, तो मैंने स्कूल में सिखाना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ पे यही पेमेंट एक स्कूल से 2 से 3 हज़ार मिलते थे, और जो भी मिलते थे मतलब उसको मैं रखती थी, और आगे के लिए सोची मैं कि आगे मुझे अब क्या करना है, इसमें भी कुछ मेरे को नहीं दिख रहा था कि हाँ मतलब कुछ करना है नहीं करना है, तो बोले ठीक है।
फिर मैं 2022 में मैं सोची कि मैं क्यों ना अपना इंस्टीट्यूट एक खोल लूं, अच्छा जो कि उसमें गर्ल्स और बॉयज को ट्रेनिंग दूं। फिर मैं अपना एक इंस्टीट्यूट खोली जो कि अब मेरे घर से काफी दूर था, कुचायकोट। तो वहां पे जगह वगैरह नहीं मिला, फिर भी मतलब उसमें काफी 10 से 20 हजार खर्च हो गए पैसे, वो भी सेविंग किया हुआ पैसा था, खर्च अच्छा हो गया। लेकिन मतलब वहां पे अच्छा नहीं था, क्योंकि वो जो कुचायकोट था वो एकदम गांव के टाइप का था, एकदम गांव था। उसमें मतलब बच्चे और मतलब टीचर ऐसा नहीं थे कि हाँ आप समझोगे, मतलब कुछ बताओ तो आप जल्दी समझ जाना या कुछ भी, वो कराटे का मतलब जानते ही नहीं थे कुछ। फिर मैंने अच्छा वहां पे 2-3-4 महीने तक मतलब ट्रेनिंग करवाया बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मेरे को कुछ नहीं आया तो फिर मैं बोली कि छोड़ देती हूँ, फिर वहां से हट गई। फिर मैंने गोपालगंज में ही मतलब अब खुद को शिफ्ट करना शुरू कर दिया, गोपालगंज में मतलब स्कूल में जाना स्टार्ट कर दिया खुद को। मतलब रोज एक नए नए स्कूल में मैं जाती थी, अलग अलग स्कूल में जाती थी, और मतलब अपना इंटरव्यू देती थी उनसे, मतलब बताती थी अपने बारे में, मैं ये हूँ और मतलब मैं सिखाना चाहती हूँ बच्चों को। तो मतलब किसी को अच्छा लगता था तो वो रखते थे, वरना मतलब कहते थे कि नहीं, मतलब मैं नहीं अलाउ करूंगा, स्पोर्ट्स इसमें नहीं जुड़ेगा, ये वो बहुत सारा ऐसा ना भी आया हाँ भी आया, दोनों आया आता था अच्छा ऐसे करके मैं यहाँ तक आई। फिर मैं 2022 से खेलना मतलब मैं जब बाहर गई पटना वगैरह जब खेलने के लिए गई, तो मैं देखी कि हाँ ऐसा भी होता है, आगे आपका करियर भी है, अगर इसमें अगर खेलते हो अगर मेडल आता है तो खेल सम्मान भी मिलेगा, खेल सम्मान सरकार आपको पैसा भी देगा। आगे मैं पटना वगैरह गई तो वहां से मैं देखी तो काफी अच्छा लगा। मैं फिर इंटर कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट ईयर इंटर में आया, तो फिर मैंने सोचा कि आगे पढ़ाई करने के लिए क्या करूं। फिर मैं कोई बता मेरा टीचर ही थे जो बताया कि आप LNMU दरभंगा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से आप वहां पे एडमिशन करा लो, वहां पे यूनिवर्सिटी गेम्स खेले जाते हैं, खिलाए जाते हैं। मैं बोली ठीक है, तो मैं दरभंगा गई, फिर वहां पे अपना एडमिशन कराई, और कराने के बाद अभी मैं दरभंगा से 2020 में अभी 23 में अभी मैं जनवरी में हुआ था छत्तीसगढ़ में उसका पार्टिसिपेट, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स, तो वहां पे मैंने मतलब पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बस मिला है, मेडल नहीं आया उसमें। बस इस बार उसकी तैयारी कर रहे हैं कि हाँ इस बार यूनिवर्सिटी में मेडल आ जाए, बस अच्छा, तो अभी तो उसकी तैयारी चल रही है। उसकी तैयारी चल रही है। तो इसके बारे में आपको कौन बताया अभी जो कोलकाता में जो हुआ है? इसके बारे में मेरे कोच बताया अच्छा कि हाँ वहां हो रहा है आप जी। इसके पहले भी जून में हुआ था, 17 और 18 जून को दिल्ली में, वो भी इंटरनेशनल ही था मैच, तो 2022 उसमें में, मेरा सिल्वर नहीं, 2023 में इसी में 23 में ही हुआ जून था। में हुआ अच्छा, था तो उसमें आपको क्या मिला था? जी, सिल्वर मेडल आया था उसमें सिल्वर मेडल आया था। चलिए, तो जी। आपने अब तक का अपने जर्नी को बता दिया, वाकई आपने स्ट्रगल किया है, और ख़ास करके मेल फीमेल दोनों के लिए, अगर जो अगर इस पूरे बात को अगर सुनेगा तो वाकई उनके अंदर भी कुछ करने का ये आएगा। और जो लोग हिम्मत हार जाते हैं, ख़ास करके गर्ल्स, तो वाकई आपका जो पूरा जर्नी है ये एक कहानी है। और इससे उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, ख़ास करके गार्जियन देखेंगे, वो भी जो अगर जो बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसका साथ देंगे, और वो जहाँ तक पहुँचना चाहता है वहाँ तक पहुँचाने में उसकी मदद करेंगे। अभी आपको कैसा लग रहा है? अब आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? अभी हर जगह से जी घर वाले मुबारकबाद, सपोर्ट सारे कर लोग हौसला आपके, अब ठीक है सब कुछ? रहे जी, अभी सब कुछ ठीक है, घर वाले बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा, बोल तो रहे हैं एक आगे चीज़ जाओ बताइए आगे करो। आफरीन, ये आपका जो ख्वाब है यही मतलब आपने अचीव कर लिया कि आगे और भी चीज़ें आपको अचीव करनी है? नहीं मेरे को इंडिया के लिए मेडल लाना है, ओलंपिक तक मेरे को खेलना है इंडिया के लिए मेडल लाना, ओलंपिक तक खेलना है। अच्छा, एक और बात, ये एक बात हो जी। गई, आपके अब तक का सफ़र में सबसे ज़्यादा अगर बोला जाए आपका साथ किसने दिया है, मतलब इसका श्रेय आप किसको देती हैं? जी बताइए। मैं घर वालों को ही दूंगी, अम्मी को दूंगी आप अपने अम्मी को दूंगी जी। देंगी। ठीक है।
चलिए देखिए, आप जी जिस स्टेज में हैं, जो स्ट्रगल आप कर रही हैं, वाकई जब आप अलग करते हैं तो बहुत सारे हालात, जो आप जिस जो चीज़ को आप फील कर रही हैं वो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि हमने भी इंजीनियरिंग किया, हमने भी टाटा मोटर्स में काम किया है, लेकिन आके हमने भी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, अपने इलाके के लिए करना शुरू किया, फिर मैंने चैनल स्टार्ट किया, आज सीमान गोपालगंज पूरे बिहार में लोग देखते हैं। तो क्या होता है, किस तरह का होता है कि तुमने ये किया और आके क्या कर रहे हो, तो आप जिस सिचुएशन से आपने गुजरा है वाकई उसके लिए बहुत एनर्जेटिक, बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है, और सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा उसमें मदद करता है। और वाकई ये जिस तरह से जो आपने किया है, दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो उनके अंदर जो चलता है उस पर, मतलब नेचर ने उन चीज़ों को, जैसे आपने जो बताया कि हम इंस्टीट्यूट में थे तो आपको भगवान ने, अल्लाह ने उस चीज़ के लिए नहीं बनाया था, लेकिन किसी वजह से वो आपके जर्नी का एक स्टेप था, कोई मजबूरी के तहत आपने वहाँ जुड़ा था, लेकिन आपको पता था कि ये मेरा मतलब अंतिम ये नहीं है, आगे हमको कुछ करना है, नेचर ने हमें इस चीज़ के लिए बनाया है। तो अभी इन फ्यूचर जी आपको क्या करना है, मतलब गोल्ड ये आपने बता दिया, आपने सफलता का श्रेय भी आपने दे दिया, तो और कुछ कहना चाहती हैं आप, कुछ ऐसी बातें जो आप बताएं, कुछ शेयर करना चाहती हैं, खास करके गर्ल्स के लिए, और खास करके मुस्लिम कम्युनिटी में जो गर्ल्स हैं उनके लिए, आप ना कि सिर्फ मुस्लिम ही, अगर इसको जात पात से दूर रखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, खास करके सीमान गोपालगंज की जी जितनी सारी गर्ल्स हैं उनके लिए आप मोटिवेशन हैं, गर्ल्स को क्या मैसेज देंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैं उन लोगों को बस यही कहूंगी कि अगर आपके अंदर अगर जुनून है, जिद है कि हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो कर लेंगी। अगर हाँ ये कहती है कि हाँ मेरे को नहीं होता है कि हाँ बोल देना कि मेरे के पापा नहीं माने, भैया नहीं माने, उन्होंने नहीं बोला कि सपोर्ट नहीं किया कि हाँ यहाँ तक मैं जाऊं, मैं विदाउट सपोर्ट यहाँ तक हूँ, मैं विदाउट सपोर्ट मैं यहाँ तक हूँ। तो वो गर्ल्स सबको मैं बोलूंगी आप मेरे को देखो और मेरे पीछे पीछे और आओ फैमिली और ने आगे फाइनेंशियल जाओ कई आप। तरह की चीज़ों से आप लोग, आपका सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी आप अपने इंटरनेशनल में आपने गोल्ड मेडल लाया, कितने घर के लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं उसके बावजूद भी वो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, नहीं लेकिन कर जी पाते हैं जी जी तो उनको चाहिए कि जो जो नेचर ने उनको बनाया है उस पर मेहनत कीजिए, मतलब बहाना नहीं ढूंढना है। लास्ट में लोग एक्सक्यूज देते जी हैं, ये नहीं था, वो नहीं था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, दिस था, जी दैट था, जिसकी वजह से हमने ये नहीं अचीव कर पाया। जी जी, चलिए तो वीडियो को ख़त्म किया जाए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह से आप करेंगे। और एक और बात, हमारा स्कूल है बढ़रिया में, मैं बाद में जी आपके सर घर वालों से हम बात कर लेंगे, आप हमारे स्कूल में आए, हमारे बच्चों को मोटिवेट करें, और मुझे ऐसा लगता बिल्कुल है कि सर अब वाकई बिल्कुल आपके बच्चे भी कहानी सुनेंगे और उनके लिए ये मोटिवेशन है, तो हमारे स्कूल में भी आप आइए, मोस्ट वेलकम है। चलिए तो वीडियो को ख़त्म किया जाए, आफरीन, बहुत अच्छा लगा थैंक आपसे यू बात सो मच। करके, वाकई मैं भी खो गया था आपके कहानी को सुन सुन के, लेकिन अच्छा लगा, और जितने सारे लोग सुनेंगे उनको भी मैं चाहूँगा कि आप इसको सुनिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ताकि मैक्सिमम लोगों तक बात पहुँचे और लोगों में जागरूकता आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।